और करो लाड़, सर पर बिठाओ से, यही होगा ना। जब जब मैंने सख्ती की तब तब कोई ना कोई उसे बचाने आ गया। ये बद्री, नहीं तो बीजी, नहीं तो उसकी मां, सबकी लाड़ थी ना वो। अब क्या हो गया, देखा ना नतीजा, ज्यादा लाड़ प्यार का, और करो लाड़ और बिगाड़ो उसे। अरे पुत्र, ना कोई प्यार से बिगड़ता है ना प्यार बिगाड़ता है, प्यार का हल प्यार में ही होता है। अब देखो ना, मैंने तुम दोनों को कितना प्यार किया, तुम लोग बिगड़ गए क्या? हाँ, लेकिन बीजी शुरू से ही सबने उसकी गलती को ढकने की कोशिश की, और यही वजह है कि वो ये सोचती है कि वो जो जी चाहे सो कर सकती है। उसे बचाने के लिए बैठे हैं ना यहाँ सब। आइए, शुक्रगुजार हैं हम आपके, आप वापस तो आए। नहीं नहीं नहीं, शुक्रगुजार हैं हम आपके, आप तशरीफ तो लाएं। आई, देखा आपने, पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को हम भेजें और ये इतने होशियार हो जाएं कि हमें ही बेवकूफ समझने लगे। कोई इससे पूछता क्यों नहीं है, पिछले 4-5 घंटों से कहाँ थी? अरे बस कर, चुप कर, चिल्लाने से किसी बात का हल नहीं निकलता। अरे चुप है तो चुप रहने देना उसे। भगा कर लेके गया तेरा दोस्त मेरी बहन को, बोल। अगर वो को मालूम होता तो मैं बताता ना। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अरे कैप्टन साहब, गलत जगह पे नहीं मारेगा, केस बनता है। सही जगह पे मार, मत। तेरी तो। कैप्टन साहब, आहिस्ता आहिस्ता। बोल, कहाँ छुपाया उसे, कहाँ भगा के लेके गया तेरा दोस्त उसे, बता। पता मैं तो छोड़ूंगा। हेलो, बोल साले। हाँ, बताएगा नहीं? बोला है था। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, अभी आया था, तो नहीं छोड़ूंगा मैं। किसने किया था? बोल। अच्छा, आ गई ना, ठीक है ठीक है, ओके। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, बोल बोल। कैप्टन साहब, बस बस बस, आपकी बहन आ गई। अरे कैप्टन साहब, आपकी बहन घर पे आ गई। कैप्टन साहब, आपकी बहन आ गई घर पे। चौकी से फोन आया था, जाइए देखिए वो वन पीस में है कि नहीं। जाइए जाइए। क्या है, शूटिंग हो रहा है क्या इधर? चलो चलो अपने काम पे चलो। अभी उठने का, चलो उठ 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 उ
ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि तू यहाँ नाटक करे, समझा? ए, अभी घर जाने का और आधा घंटा शॉवर के नीचे बैठने का, कुछ नहीं होने वाला, तब तक ये बर्फ लगा जख्मों पे, चल ना, लगा लगा लगा। देख, वैसे मैं भी नहीं चाहता था कि तेरे को मार पड़े, लेकिन तू तो जानता है मैं भी मजबूर था, तो मिलिट्री का आदमी है ना, क्या है कभी कभी मेरे को भी फ्रीलांसिंग करनी पड़ती है। कुछ नहीं हुआ है तेरे को, अभी घर पे जाने का, चल भाग। अरे खाना मत, जख्मों पे लगा, जख्मों पे लगा। समझता है कि मार के चला गया, इसको मालूम नहीं उसने कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जख्मों से कमाना भी सिखाया। देख मक्कू कैसे चाबी लगाता है। हेलो, आई एम होम, एनीबॉडी होम? अरे मैं आ गया, बीवी नहीं तो बेटा सही, और सुनिया नहीं। ओए, ये क्या है? जवान आदमी दिन में सो रहा है? अरे मैं ऑफिस से 10 काम निपटा कर आ गया और तू वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, हैं? पापो, बैठे बैठे नींद आ गई। बैठे बैठे नींद आ गई, व्हाट अ शेम यार। जिस आदमी के पास चांदनी जैसी खूबसूरत मंगेतर हो, वो ऐसे लेटा हुआ है जैसे किसी लोकल ट्रेन के खाली डब्बे में लेटा हुआ हो। आई हैव हैड इनफ यार, मैं अभी फोन पे चांदनी से तेरी बात करवाता हूँ। कूल इट पॉप, कूल इट। ओ की होया, चांदनी यहाँ आई थी। चांदनी यहाँ आई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझा, तेरा ऑफिस ना जाने का बहाना, इट वाज ऑल प्लान्ड, है ना? नहीं पापा, वो अचानक यहाँ आ गई। अचानक यहाँ आ गई, अब क्यों? मुझसे ये कहने के लिए कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। क्या? She said she can't marry. What is this nonsense? अगर ये कोई मजाक है, then I must say you lost your sense of humor. She was serious. वो मजाक नहीं कर रही। लेकिन क्यों बेटा? अरे इतनी टेंशन मत लीजिए पॉप, इतनी टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती है, लड़कियों को डर लगने लगता है। एक हॉलीवुड फिल्म थी, इफ यू रिमेंबर, रनअवे ब्राइड, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। लगता है चांदनी उसी दौर से गुजर रही है। आई डोंट नो, आई जस्ट होप। केदार, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सुरेंद्र, क्या हाल है? अरे यार, चांदनी यहाँ आई थी और अन्नू को बोल कर गई है कि वो अन्नू से शादी नहीं कर सकती। क्या? ये क्या चक्कर है केदार? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे लेकिन बात क्या है? नहीं वो, अरे बात क्या हो सकती है यार? इसलिए मैं हमेशा गायत्री को कहता आ रहा हूँ, बेटी को कंजूसी से प्यार करो। अब देखो ना, शादी पास आ रही है तो घर छोड़ने का डर हाँ बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन माँ का पल्लू नहीं छोड़ा। सच यार, मैं तो परेशान हो गया था, सोचने लगा ये मामला क्या है। जाहिर है परेशानी की बात भी है भाई, अपने घर के आंगन में बचपना मंजूर होता है, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं। उसे अनु के पास जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, लाडली जो है अपनी माँ की। खैर तू फिक्र मत कर, मैं समझाता हूँ उसे। तो यार केदार, उसे बोल, उसको यहाँ वहाँ से दुगना प्यार मिलेगा यार। हाँ हाँ मैं बात करता हूँ,
और तू अनु से मेरी तरफ से माफी मांग ले। अरे नहीं यार, ठीक है रखता हूँ। अच्छा बाय। पापा, अनु को मिलने से पहले कहाँ गई थी चांदनी? मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन जहां भी गई हो अब एक बात का मुझे पूरा भरोसा हो गया कि इस घर को छोड़कर जाने की हिम्मत चांदनी में नहीं है। कहीं नहीं जाएगी, हम जो कहें वो कहें। हेलो हेलो सोहेल, सोहेल अब्बू से बात करनी है। बेटा अब्बू इस वक्त घर पर नहीं है। तुम्हें बता दीजिएगा मैं अमन के साथ हूँ। अमन काफी उदास है, वो चांदनी उसके साथ जाने वाली थी पर पता नहीं क्यों उसने अपने इरादे बदल लिए। बेटा तुम अमन को समझा दो कि वो हिम्मत नहीं हारे, उसे अपने हौसले बुलंद रखने होंगे। हेलो हेलो जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है अमन। अगर अंजाम बिछड़ना ही था तो फिर तकदीर में ये क्यों लिखा था कि मैं चांदनी से मिलूं? क्यों सुहेल क्यों? भाईजान लगता है अब तो आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। अब्बू ने 3 दिन का वीजा एक्सटेंड करवाया था, वो 3 दिन भी आज खत्म हो गए। ये आगे चलो ना यार। अरे राहुल, क्या एक्टिंग कर, क्या हुआ तुम्हें? कोई जख्म तो सच में लगा? क्या हुआ? राजेश और वलवकर आए थे यार। ओ गॉड, काट कर रख दूंगा इन लोगों में। मैं अभी आया। ये भाई, ये भाई जो होने का था हो गया, अभी बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं रहे। अरे सबक सिखाऊंगा इनको। मैं बोला ना यार, बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं, उसको मेरे को फोड़ने का था फोड़ दिया, बात खलास ना। ठीक है ना, फिर इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं रुको, छोड़ो, ये जो जख्म हुआ है ना इसका थोड़ा मजा तो लेने दो मेरे को। तुम लोग रुको, मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो राहुल? आगे बताता हूँ। गाड़ी डंडा खींच। अरे आता हूँ, मैं आता हूँ। अरे चल ना, इसी हालत में कहाँ जा रहा है? कैप्टन साहब, आइए आइए। कैसे हैं? जी ठीक हूँ। अब तबीयत कैसी है इनकी इंस्पेक्टर साहब? ये अगर मैं बता सकता तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। तो कम से कम ये तो बता सकते हैं कि वो लोग कौन थे जो इन्हें चोट पहुंचाकर भुजदलों की तरह भाग गए। अरे कैप्टन साहब, अभी तक मेरे को ये भी नहीं मालूम कि ये कौन है, पहले मैं वो पता करेगा ना। हाँ लेकिन इतना मेरे को जरूर मालूम है कि जो लोग इसको उड़ाकर चले गए वो मोटरसाइकिल पे थे, उनको तो पकड़ लेगा मैं, डोंट वरी। चलता हूँ। हाँ कैप्टन साहब, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, मैं डॉक्टर को भी बोला, वेरी गुड। थैंक यू। वो मोटरसाइकिल तो आपका भी है ना कैप्टन साहब? कुछ डिटेल लगेगा तो फिर से परेशान करेगा मैं आपको। हेलो। हेलो, सलाम अलैकुम भाभी, मैं मेहरुन्निसा बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेहरुन्निसा, कैसी हो, सब खैरियत? अमन कैसे हैं? अमन यहाँ से कहीं चले गए हैं। चले गए कहाँ? जी हमें कुछ पता नहीं है। या अल्लाह भाभी, दरअसल आपसे एक बात छुपाई गई है। कौन सी बात? चांदनी के बारे में। हाँ सोहेल भी कुछ कहना चाह रहे थे, तुम कहो मेहरुन्निसा। भाभी आप
परेशान मत होइए, लेकिन चांदनी एक हिंदुस्तानी लड़की है। तुमने जो किया है चांदनी, बहुत गलत किया है चाचू। लेकिन मैं क्या करती, मुझसे नहीं हो सका। मैं अपनी मुस्कुराहट के लिए सबकी आंखों में आंसू देकर कैसे जा सकती थी? लेकिन तुम्हें अमन के बारे में तो सोचना चाहिए था, क्या बीती होगी उस बेचारे पर? मैं जानती हूँ चाचू, लेकिन क्या करती, मजबूर थी। ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, कहीं भाई साहब ने तुम्हें बाहर देख लिया तो मुझ पर बरस पड़ेंगे। जाओ। चांदनी, 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 चांदनी। अरे राहुल, ये क्या हो गया तुम्हें? मालूम है, तुम्हारे भाई ने फोड़ डाला मेरे को। क्या? हाँ ये देखो, और तो और वो अब अमन को ढूंढने के लिए गया है। सच कह रहा हूँ, वो अमन को ढूंढने के लिए गया है। ये देखो, अगर अमन मिल गया ना उसको, मार डालेगा उसको, मेरे दोस्त को मार डालेगा वो। मैं एक मिनट में आई। मेरे दोस्त को मार। कुछ तो फायदा हुआ बप्पू मार खाने का। अब ये मोरा सीख जाएगी, क्या बोलता है? हाँ, जरूर।